गाइस अभी ये लोग ऊपर चढ़ के कर रहे हैं, कुछ तो चेक कर रहे हैं, क्योंकि ना एक दो इल्ली दिखी मम्मी को अचानक से, और तो मम्मी को लग रहा है कि कहीं ऊपर से तो नहीं आ रही है। तो ये लोग सारे ना डिब्बे ऊपर के चेक कर रहे हैं, और पूरा ये ना सारे शेल्फ चेक करने वाले हैं कि हुआ क्या है आखिर, आ कहाँ से दिखी, आज भी दिखी थी क्या? दीवार पे चल रही थी। अब मैं पुड़िया खोल के देख के आऊंगी। नहीं है यार ऐसे तो सामान में तो, ओ इसमें नहीं है, पर कहीं है, यहाँ कहीं इसमें ही है ये इनके हाथ को छू। देना पेपर है ये हैंड्स प्रूफ ये मम्मी का, हमने यूट्यूब कर गूगल पे इसकी फोटो स्कैन की थी तो वो हाँ ऐसी बनती बात है, ये तो कीड़ा है। तितली बन के उधर उड़ती है वो, चल क्या रही के तितली देखना बन, दीवार में मम्मी तो। जो तितली और ये मतलब वो यही है, तितली बन के उड़ती है। हाँ पहले नहीं मैं क्या करूं, पहले तितली और पहले इल्ली होती है फिर उसकी तितली बन के उड़ती ये है। पूरा तो खराब हो गया ना, कहां दाने दाने नहीं दिख रहे बाजू में, बाजू में आता है, तुम दूध वो का बाहर मतलब रवा टाइप का वो ना बाजू यार में टाइप बिखेर का। रखा हाँ खराबी है ये है, हटा के देखना गाइस, ये पूरी खराब हो गई है, अब इसको पूरी फेंकना पड़ेगा इतनी कैसी हो गई, सारी। देखना तू देख और देख रही लो सारे डिब्बे कैसे खराब हुआ रे बाबू। इतनी सारी। और भाई यार मैंने तेरे को बोला कि वो वहीं से आ रहा है छोटे तो छोटे को, जब भी देखो मैं तो सो के उठ चुका हूँ, और गाइस जब अभी आपको ये चीज़ें दिखा रहे थे ना तब मैं ब्रश कर रहा था, इसलिए अभी मैं अभी बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है ना गाइस, मम्मी को ना बहुत दिन से अपने घर पे इल्लियाँ दिख रही थी एकदम छोटी छोटी, फिर अभी कल रात में हमने देखा तो हमने गूगल सर्च किया, फिर हमको पता चला कि वो तो खाने वाने की जगह पर बनती है। फिर हमने देखा ऊपर वाले फ्लोर के मतलब ऊपर वाले फ्लोर नहीं, जो छज्जे पर हमारे वहाँ पे ड्रॉज में ना दाल रखी हुई थी उसके अंदर दाल के डब्बे में इल्लियाँ बन रही थी, तो अभी हमने वो बंद दाल को अब सही कर दिया है। अब मम्मी ने वो दाल को पता नहीं क्या करेगी, फेंक शायद दिया फेंक ही देंगी क्योंकि अब तो उसको खाया नहीं सकते ना। पूछते चलो मम्मी से क्या करेंगी, क्या करोगे अब आप मम्मी वो दाल का, देंगे, वो रखा है क्या वो रखा है फेंक दोगे? हाँ करेंगे, आंटी को भी देंगे जो चीज अपन नहीं खा सकते, तो आंटी को क्यों देंगे थोड़ी, क्यों सही बात है। अभी सब्जी बन रही है गोभी की ना गोभी की मेथी की। गाइस अभी अभी मम्मी ने कुछ दिन पहले कॉलिन खरीदा था, तो अब मम्मी उसे धो रही है क्योंकि मम्मी को सब चीज़ ऐसे गंदी लगती है, इसलिए साफ़ करना बेटर है मम्मी के हिसाब से, इसलिए पूरा धोने पड़ेगा अभी। ये और ये भी धोना है, छोटा वाला भी ये था क्या? रनर हाँ रनर तो हमको नहीं पता नाम, ये तो मुड़ गया यार, तो वो फोल्ड होगा ही ना मम्मी, उसको से सीधा करो, अपना भी तो हो जाता है फोल्ड। पूरी अरेंजमेंट कर दी है, बस पानी का सोर्स लाना बाकी है, पूरा इसमें डाल चुकी हूँ मम्मी, इसमें क्या डाला है पता नहीं अब। एरियल डाला है ना, हाँ वो धोने का कुछ डाला है, वो डाला है वो दूसरा वाला, चालू कर दिया मम्मी ने पानी। अब मम्मी गीला कर रही है कॉलिन को पूरा, फिर उसमें सर्फ डाल के अच्छे से धोएंगे। तो गई छोटू वहां खेल रही है कालीन धोते धोते, कैसे कैसे ठंडी भी बहुत लग रही गाइस, हवा बहुत चल रही है यहाँ गाइस। अभी डोरी को खाना है शाम को छोले भटूरे, तो डोरी ना चने गला रहा, अभी चने गलाना भूल गया, अभी इतने बजे गलाएंगे तो वो चने गलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उससे गर्म पानी सही करवा चना रही, है गर्म पानी करवा रही, गर्म पानी में करूंगी उसको। सही चना है मीन्स क्या है, उसमें छेद है क्या, देख लो ना तुम। ये तो नहीं दिख रहा, पर हाँ काला काला दिख रहा काला है तो कोई दिक्कत नहीं है, छेद है क्या देखो, नहीं। नहीं है तो दो बार धो उसको फिर वो पानी में डालना, वो कटोरा यही रख देना धोने में मत डालना उसको। तो भाई से आज बहुत से बहुत बर्तन हो गए, बाकी छेद कुछ नहीं थे ना ऐसे। इधर ताई खाना खा रही है, खा लिया है और फिर जाएगी अभी तैयार होके बैठी है बिल्कुल। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब मेरी ट्यूशन जाने का टाइम हुआ है, तभी शाम नहीं हुआ है, तो अभी मम्मी मुझे भूख लग रही थी ना इसलिए मम्मी ना मेरे लिए पोहा बना के दे रही है। ये देखो गाइज अभी पोहा पूरा पीला कैसे नहीं हुआ, होगा थोड़ी देर में, हाँ मैं सोचा पोहा वो बन गया।
क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कुछ कोई उसको, नहीं नहीं चूड़ा। कैमरे में ऐसे दिख रहा है कि चूड़ा बन रहा है पर पोहा बन रहा है गाइस। तो गाइस अभी बन चुका है पोहा और अभी मस्त गरम गरम मम्मी मुझे दे दे रही। मीठा है कि नहीं? हाँ गाइस मुझे ना मीठा पोहा अच्छा लगता। तुम्हें ज्यादा मीठा चाहिए शक्कर डाल लो और तो गाइस अभी मैं पोहा खाने ले बैठा ही और थोड़ा अभी ये आ चुकी है। क्या कितना कम लिया है मैंने, तुम तो कितना भर भर के खाती हो और मेरा नाम रख रही। ठंडी में अभी गर्मी में भी चिपकेगी डोरी, वो देखना तू। वो सब जिम के लिए रहती है, एक्सरसाइज के लिए, पता है क्या तुझे। तो गाइज रोज की तरह आज डोरी आज भी ट्यूशन जा रहा है, मतलब रोज जाता है। चप्पल को देख देख के खुश हो रहा है खूब। पापा आएंगे तो बोलेंगे तेरे को काम नहीं है क्या, ये दूसरी चप्पल तूने खरीद ली, तो बोलना ये चप्पल मैंने आपको दे दी आपके पास नहीं थी ना, बोलना मम्मी पहन पहन के घूमती थी आपकी। बाय। इतनी सारी गाय आ गई, मैंने यहाँ उनके एक लिए रोटी रखी थी तो वो खा रही है। वो रोटी तो मैंने दोपहर में ही रख दी थी, अभी तीन गाय एक इधर भी आए, चार हो गई। इन लोग ने रोटी खा ली, अच्छा हो गया रोटी खा ली। इधर मत आओ गिरोगी, इस पे चढ़ नहीं पाओगी। मैंने गेट बंद कर दिया गाइस, मैं खड़ी रहूँगी तो वो उतनी देर खड़ी रहेंगी, मैं जल नहीं तो फिर वो गोबर कर देंगी वहाँ पे, फिर कल मेरे को ही साफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं अंदर आ गई। ऑफिस से आके पोहा हुआ खा के पानी पी रही है अब ना। डोरी ट्यूशन चला गया, छोटू भी ट्यूशन गई है। क्या ला रहे मम्मी? अरे मौसम्बी दो। तो काटा तो है नहीं हाँ काटा है, पकड़ के रखा है। सही यार, सब जगह ऐसे पूरा फ्लावर बन गया। काट के दिए तो दो, हमें, खा थैंक लेते यू। हैं। तो गाइस अभी हमारे घर पे कुछ तो अच्छा बन रहा है, मुझे खुशबू आ रही है। तो क्या बन रहा है मम्मी? तुमने चने का लाए थे ना डोरी, तो अच्छा हाँ, चने सुबह तो बनाना चने का है लाए तो थे। इसमें चने पक रहे हैं हाँ और ये चने का मसाला है। इसकी खुशबू आ रही है लगता। हाँ, और इधर तुमको छोले और भटूरे चाहिए थे ना, तो ये भटूरे का आटा गला के रखा है। ओ ये आज मैदा। तो तुम्हारी फरमाइश पूरी हो रही है। हाँ मेरे हाँ, फेवरेट है छोले भटूरे। छोले भटूरे खाना तुम आज हाँ मस्त। तो गाइस आज तो मैं खाऊंगा छोले भटूरे और आप भी जाके हमारा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट छोड़ दो और अभी ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। तो बाय।